मास डिपोर्टेशन भी निकाल लेगा, बॉर्डर भी बंद करेगा। ठीक है, मैं एसटीसी मरा हूं, मैंने वो तो अंदर ले अंदर आ रहे हो, अभी देख लिया। मरा मरा सारे भैया ने, मेरा नाम है अमरजीत मलिक, आप देख रहे हैं हरियाणवी न्यूज से। मैं इतने दिन से थोड़ा हावी जी था, कुछ मेरा फ़ोन भी टूट गया था, नई जगह शिफ्ट हुआ उस चक्कर में शिफ्ट के टाइम पे टूट गया था। अभी मैं जिम पर निकल गया हूँ, बैग वैग लेकर जा रहा है मेरे घर पे। तो भाई बॉर्डर का जो हाल चल रहे हैं, ट्रंप जीत लिया, ठीक है। मैंने पीछे वीडियो अपलोड करी थी कुछ मंथ्स पहले, मगर अगर ट्रंप जीतेगा तो क्या क्या करेगा, मैंने उसमें काफ़ी चीज़ें स्पेसिफाई करी थी। मगर वो आर्मी से भी हेल्प मांगेगा, आर्मी भी आस क्या है, आर्मी भी आई भी उसमें बोल दिया था उन्होंने 4-5 मंथ पहले ही, बस उससे पहले मास डिपोर्टेशन भी निकाल लेगा, बॉर्डर भी बंद करेगा, सारे करेगा। मगर वो जो अंदर आ लिए खुश हो रहे हैं उनको भी निकाल लेगा, अंदर आ रहे थे वो अभी सेफ नहीं है। उस बात पर कुछ है बतेरे बालक का, बहुत बालक तो नहीं होंगे, बहुत प्राणियों ने बालक तो होंगे नहीं, इतना दिमाग लाते ही नहीं। खुशखबरी दे दो बस, बुरी खबर अच्छी लगती, बुरी खबर दे दो गाड़ कर डल है। तो कुछ प्राणियों ने कमेंट सेक्शन में बहुत गंद पाया था उस वीडियो में, और एक नए भाई ने अपने नए हरियाणा के नए ब्लॉगर है वो भी नाम लेता, उसने तो मेरे ऊपर एक खास वीडियो भी बनाई थी। मेरे को ये कह रहा है कि भाई आवे है मुँह ठाक है, कैमरा ठाक रहे मुँह पढ़ दे चले जाए, मेरा नहीं बाड़ी नहीं है वो। चलो ठीक है, मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, पर बदले वीडियो में बना उसको तो मैंने भी व्यू मिला है 4, पर मैंने कोई नहीं उससे डायरेक्ट बात कर ली थी, मगर भाई ऐसे ऐसे है। मैंने उसको पिछले इलेक्शन में जो हुआ था उसके भी प्रूफ दे दिए थे, मगर भाई ये देख मुँह मुँह पढ़िया यारे प्रूफ न्यूज़पेपर से, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यूज़पेपर में खबर थी उन तले अगर सारी चीज़ उसके खुद की इंटरव्यू तक के भी लिंक दे दिए थे, मैंने प्रूफ कर दिए थे, मैं ऑनलाइन भी दे इसको था सब अपलोड भी कर दिए थे मैंने, मैंने तो वीडियो टेक डाउन कर दी। उसके बाद मैंने ये भी देख लिया कि किसी का कितना ही बढ़िया कर लो, कितना ही समझा लो, पर लोगों का कहना कीड़ा हो गया अगर है जो ढंग की बात बताना मैंने उसकी कौन सुना है, सच बोल रहा हुआ उसकी ले लेंगे जमा। ठीक है, मैं एनेस्थेसी मरा हूँ, अम्मी नहीं बता दे, अम्मी के बाद आ जाएंगे आज, जो मैंने उस तरह कही थी भाई इलेक्शन आती रुक जो हाल देख लेंगे फिर आ जाइयो, कोई नहीं नाटक तमने पर नहीं। और बाड़ा कभी जून से वीडियो गिर रहे हैं वहाँ भी अपना गिरा गया ना आ जाओ या तुम बकाव है कोई जड़ा है किसी ने देख कर जी नू नी नू नी नू नी आ जाओ आ जाओ आ जाओ बुला लिए। ठीक है, मास डिपोर्टेशन की बात चल रही है, किसी कोई झूठ मानता हो ना भाई कमेंट सेक्शन में गंद मत पाना, पहले जाके एक बार इसे इंटरनेट को ना सिर्फ मीम शेयर करने थी ना, इंटरनेट और लोगों ने गाड़ देने थी, रिचार्ज को नहीं होता अब तक बस नू रिचार्ज करा हो रहा नांगली करने थी। गूगल थर पर आया जाकर सर्च करो, पहले पूरा देखो फिर आना मेरे पास, मेरे को बोलने की झूठ बोल रहा है। ठीक है, इसमें आप आर्मी भी बोल रहा करी है वो इन्वॉल्व पूरी, इसमें पूरा पॉलिटिकल सिस्टम सारा अलग है, अगर पूरा अलग से एक क्या कहते हैं उसे बटालियन कह ले के कह ले कुछ भी ट्रूपर्स कह ले बना लें अगर, जिसमें सिर्फ मास डिपोर्टेशन होगी। ठीक है, जेट भी ले लिए किराए पर, जेट का रहा पैसेंजर प्लेन होया करा जो उनसे बड़े वाले, ठीक है ना, चार्टर्ड प्लेन ये भी ले लिए, मास डिपोर्टेशन शुरू भी कर लें अगर है। ठीक है, और क्या कहा करा है स्टेट एमरजेंसी लावेंगे, कहीं कहीं स्टेटा में बलाई नहीं है, और मैं ये बकचोदी नहीं तैर रहा हूँ मुँह वह बात उस भाई की कैमरा ठैक मुँह पैटदा है, मैं पूरी न्यूज़ देखा करूँ, इंडिया मत इंडिया की देखा करता, उरे उरे की देखूँ पर सारी देखूँ, घने लंबे वीडियो बना दें ज़्यादा और एक्सप्लेन करूँगा, कहीं के IQ दो लेवल का IQ है, दिमाग में जो दो मोलिक्यूल उनके काम कर रहे हैं ना वो एक्टिवेट होएंगे और वो सिर्फ फिर गालियत ही चल लेंगे। इज्जत तो बताएगा देख ले भाई, कोई सुनता ही नहीं, इज्जत है तो बेजती करके बता लेंगे, सुन दे सुन लो नहीं सुनना तो रहने दो, दिन आना आज मैं तो ब्याह कहूँगा भाई मेरे सलाह मानोगे तो जनवरी तेरी टिक जो, जनवरी मेरा लाया कर लेगा, जनवरी से अप्रैल के बीच में मेरा लाया कर लेगा कितना के है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर भी एंड होएगा ना, और पॉलिटिकल जो भी फैसले लिए जाकर है ना वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होया करते, फाइनेंशियल भी देखी जाकर है, फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं टैक्स रिटर्न क्या आया है, जितने भी बड़े बड़े अड़े बिलियनियर बैठे हैं ना वहाँ अपना भी प्रॉफिट देखा है, रियल एस्टेट हाइक जाओगा जितना ज़्यादा लोग आओगे उतना रियल एस्टेट हाइक जाएगा तो उनके रियल एस्टेट पड़े दुनिया भर के, ये पॉपुलेशन मड़ी ही होगी, जगह बद होगी तो रियल एस्टेट डाउन जाओगा, पॉलिटिक्स के ऊपर भाई बिलियनियर्स का भी प्रेशर है। ठीक है, किसी को लॉजिक समझ आ गया तो आ गया, जिसके IQ 2 है
ये उन्हें तो कूने समझा हुआ छाती पीट का। तो भाई ठीक है, राम राम सारे भाई है ना। हाँ ना कुछ नहीं मास्टर डिपोर्टेशन लै रही मैंने दिखा किसी ने कुछ भी। ठीक है भाई, राम राम सारे भाई है।